बाकी लोग बाजी यार भाई वो भी उनका भी मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन था, हमारा भी मामला विचाराधीन, तो जैसे स्वतः संज्ञान में लेके उनकी सीटी भरी गई, जो पुराना विचारधारा था उसको बदल के नया पद्धति लागू करके उनको राहत दिया गया, तो फिर हमारे साथ शौचालय व्यवहार किया। ये क्या इसके पहले भी आज आप पहली बार आए? तीन बार सर, बहुत शांति ढंग से। नहीं कब है? जो 2020 में सर, 2020 के बाद वही नहीं सर, और 2019 में तीन बार आए। कितने विधायकों को सरकार के पास? अरे मेरी बात उसके बाद छोड़ दीजिए, देखिए हम आप सब लोग सिस्टम का हिस्सा है, आप भी अभी सरकार के हो जाएंगे, पुलिस हमारे साथ हो जाएंगे, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तुम भाई हो, भाई हो, भाई मेरे भाई हो, आपको नौकरी मुझे मिलेगी, मेरे परिवार का एक बच्चे को रोजगार मिलेगा, हम कुछ मदद के लिए रास्ता लीजिए, हम इसलिए तो आए हैं, बस हम आप पकड़ते हैं, मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें रोजगार मिलेगा, मैं भी मजबूत हूँ इस प्रदेश में, हमें चाहते हैं सबको रोजगार सबको मिले, लेकिन जो सिस्टम बना है उसी के अनुसार। आप इसके पहले पिछले छः महीने के दौरान, चार महीने के दौरान कोई प्रत्यावेदन दिए हो जी सर, तो वो बताइए। हाँ सर, देखिए विधायक बताइए, विधायक को मत बताइए, जहाँ से भर्ती देखिए हम लोग एक बात बोले, एक बात नहीं बोले, देखिए ऐसे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, हम एक बात करेंगे और सही बात करेंगे। देखिए फैक्ट बात है सर, हम जब तो भर्ती बोर्ड जाते हैं या हेडक्वार्टर जाते हैं, भर्ती बोर्ड जाते हैं तो वो कहते हैं इसका जिम्मेदारी हेडक्वार्टर का है, वो हमें देते हैं सीट, हम भर लेंगे। अच्छा सुनिए, ठीक है, हेडक्वार्टर जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा जिम्मेदारी नहीं है, सरकार हमको अनुमति दे तो हम कल भर दें। अब बताइए डीजीपी हेडक्वार्टर में किससे बात है? वहाँ के जो आप लोगों के हेड होते हैं, कोई एडीजी स्थापना, एडीजी और यही नहीं सर, वहाँ एडीजी स्थापना जब कोर्ट में जाते हैं तो पूरी ताकत लगा देते हैं कि हम इस वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, आप बताइए। ठीक है, नहीं देखिए हम आप किसी न किसी नियम के तहत आपको भर्ती का अवसर मिला था, बहुत सारे हमारे भाई बंधु नौकरी कर रहे हैं, हम भी उनमें से हैं, सब लोग इतने सारे लोग हैं, ये सब सिपाही हैं, हम ये है कि पीएसपी हैं, ये इंस्पेक्टर हैं, सब लोग इसी नियम से भर्ती हुए हैं, विदाउट नियम के कोई नहीं भर्ती। हम आप हाँ उसी में नियम की बात है, दो जगह अभी हम भर्ती बोर्ड से चल रहे हैं बात करेंगे और आपके डीजीपी हेडक्वार्टर बात करेंगे, दोनों डीजीपी हेडक्वार्टर मतलब एडीजी स्थापना से बात करें, वही तो बात हुई कि इनके इस पर प्रक्रिया पर आप विचार करिए और समय रहते हुए जैसे 69,000 का है उसको इस पर नियम को सर, वो फिर वो फिर वही काम होगा, तीन बार हम लोगों को पाँच पाँच घंटा वैसे भूखे प्यासे लड़की हो के बिना खाए पिए खत्ते हम यहाँ से, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं क्योंकि आज हमारे आप मेरे साथ देखिए मेरे सब महिला सिपाही हम लोग की है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखिए हम आपकी बात से 100% सहमत है, और रही बात नियम कानून का, नियमावली में सीधे सीधे है कि जो 34,716 का है सीटें वो एक ही बार में हम इसको विज्ञापित करेंगे, रिजल्ट घोषित करेंगे, उन्होंने एक बार 15 मई को रिजल्ट घोषित किया, फिर उसमें संशोधन तो करते हुए आज के लिए हमारा आज के लिए सिर्फ यही मांग है। ठीक है आपकी बात समझ गए, आज के लिए आपने किसी को बताया था कि आज हम आएंगे, हम ये शासन हमको शासन सत्ता मजबूत वो इशू नहीं करेगा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन, मेरी बात आपने आज आने से पहले इतने लोगों को दिया कि साहब मैं आना चाहता हूँ, हमको कहीं जगह दीजिए, मेरी बात कराइए सरकार से, मेरी बात सुन, हम जो कह रहे हैं उसका बात आपकी बात सुनने के लिए मैं आया हूँ, आप आज के डेट के लिए कि हम 100 लोग 200 लोग 400 लोग आएंगे, सरकार से बात कराइए, डिपार्टमेंट से बात कराइए, आज कोई आपने टाइम दिया हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं गलती नहीं है, नहीं, हमारी गलती है, तो हम बेरोजगार हैं, हम बच्चे हैं, हो सकता है चलो ठीक है हमारे पास तो आप तरीका, लेकिन लेकिन सर एक बात हमारी बातें हम आज आपसे कहते हैं सुनिए, सरकार से बात करने के लिए या मुख्य सचिव से बात करने के लिए हमें आप सर समय दे रहा हूँ, मेरी बात पहली बात समझ लीजिए, आप भी जिस दिन है ऐसे खड़े होकर के आपको ऐसे ड्यूटी करनी पड़ेगी, इसी के लिए हम आप अपनी हमें मेरे पास समझ रहे हैं ना,
पाँव पड़ने से नहीं, हम भी आपका पाँव पड़ने तो काम चल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं सर। नियम कानून से ये हमारा क्यों पाँव पड़ेगा? इसको जो ड्यूटी दी गई है ड्यूटी करेगा, हमको जो ड्यूटी दी गई होती है वो हम करेंगे। आप चलिए, हम पहले भर्ती बोर्ड से बात करा रहे सर, पांच लोग चलिए, लेकिन ये तरीका, ये राजधानी है जी, राजधानी है, बड़े चौराहे पर इतने बड़े चौराहे पर आप जाम कर रहे हैं इसकी, हम जाम नहीं किए सर, रोका गया तो बैठे हम इको गार्डन जा रहे थे। अरे गार्डन इधर से रास्ता है, इको गार्डन पहले चलिए, पहले चलिए, मैं आपकी बात करा लूं, मैं पर्सनली मैं इको गार्डन पहुंचा, मैं यहां का सारा जिम्मेदार हूं और पूरे लखनऊ का जिम्मेदार हूं इस तरह का जो भी प्रदर्शन करना होता है। आप चलिए इको गार्डन बैठिए, पांच लोगों के साथ आज सेक्रेटरी से बात कराएंगे, आज सबसे बात करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ चौराहे जहाँ आप कहिए वहाँ चलो, आज चलिए सब लोग, सुन लो सुन लो, मैं बता रहा हूँ इको गार्डन पांच लोगों का जश्न बना लीजिए, नहीं बस नाम दे दीजिए अभी बना कर, बाकी लोग इको गार्डन और सारे लोग चलिए इको गार्डन, चलिए 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 बस, अरे पैदल चलो सर, नहीं तो सुबह भैया सर यही तो मैं करने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पार्टनर कर रहे हैं ना। पहला काम जय सर, जय सर, भगवान सर की जो शेष भर्ती है, जो भर्तियाँ 2020 में 19 में हुई थी उनमें कुछ सीटें 15 में भर्ती हुई थी, कुछ सीटें भाई बच गई थी, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ लोगों को जो सीटें बची थी, अभी कुछ लोगों को भर्ती साथ 4,000 या 6,000 भर्ती हुई है, उसी तरीके से इनको भी कंसीडर किया गया। ठीक है सर, हम लोगों का काम है सरकार के पास इनसे बात पहुंचाएंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करें, सबसे बात कराएंगे, बच्चे मान गए हैं सब हैं, सब हमारे साथ कल भर्ती होकर के काम करेंगे सर, सब सिस्टम वाले अभी हैं। आइए पहले सब लोग इको गार्डन चलते हैं, हम मैं बात कराऊंगा ना, मैं इसी के लिए पहले बिना मेरे से कहीं किनारे तो आओ, मेरी बात सुनो, मेरे सब ये मैं बता दूं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई, आपको रोजगार मिले जाए मुझे खुशी होगी, मुझे मेरे भुजाओं में बल होगा, आप मेरा हिस्सा बनोगे, आप मेरा हिस्सा बनोगे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप मेरा हिस्सा बनोगे। सीएम सर हमें एक प्रमाण देंगे कि ये जो रिक्त पद है उसको भरेंगे, ये प्रमाण हमारे हाथ में है। नहीं नहीं बात सुनिए, पहले यहाँ चलिए, चलिए अरे मैडम चलिए, आप पहले आप नाम दीजिए, हम आपको लेकर के चलते, चलिए इधर से आगे हम चल रहे हैं, अजय भैया शांतिपूर्वक।